नवरात्रि के 9वें दिन माता जी का आज भोग लगा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बन रहा है हलवा पूरी चना, यही भोग लगाया जाता है ना, तो कमेंट में बताइएगा। और नौ कन्या को भोजन कराना अगर मिलती है तो, यहाँ वो भी नहीं मिले, तबीयत खराब है सो अलग, माँ का वही हाल है, देखो फिर भी लगी है। चलिए माता रानी के आशीर्वाद से इतनी शक्ति दे रहे हैं, और बेटी का भी वही हाल है। ये रवा कल कहते सूझी, बोला दुर्गा मैया की जय, प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, और जोर से बोला, बोलो जोर से, प्रेम से बोलो जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी, फिर से बोलो जय माता जी। देखा सबके माता रानी के रूप में नौ कन्याएं आई हैं फ्रेंड हमारे घर, और इनके हम चरण धुला रहे हैं। हमारी मम्मी पानी डाल रही हैं और हम धो रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि माता के चरण धोना, उनका स्वागत करना घर में पावन आता है, सबसे बड़ी पुण्य और धर्म का काम है, यही तो पवित्रता होती है, माता के चरण पखारना जिसे कहते हैं। इतनी तकलीफ में भी माँ हमारी काम कर रही है और नौ कन्याओं के भोजन में व्यवस्था कराई, सबके चरण धो रहे हैं, नौ दो हैं। आपके यहाँ भी इसी तरह होता होगा ना फ्रेंड, वो भी बताते जाइएगा, कहीं अगर गलती हुई हो तो उसे बता दीजिएगा। अब ये महावर, जिसे कहीं कहीं महावर कहीं आलता कहा जाता है, माता रानी के चरणों में लगा रहे हैं, यानी कन्याओं के, और लगा के माता रानी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कर रही हूँ कि जैसे उन्हें सारे श्रृंगार बने हैं इसी तरह हर सुहागन स्त्री का बना रहे। छोटी छोटी बच्चियां हैं फ्रेंड, हंसी मजाक कर रही थी, कुछ कुछ छोटी छोटी कन्याएं जो हम सोच रहे थे कि नहीं मिलेंगी फ्रेंड, इन्हें काफ़ी दूर से बुलाना पड़ा और माँ ने अपना आशीर्वाद दिया ताकि हमारे मम्मी के गांव से आई हैं, और अभी हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उसके बाद भोजन कराना है। काफ़ी लेट भी हो गया था, तबीयत सही नहीं थी फ्रेंड, अकेले करने पड़ती है, मम्मी का भी वही हाल है, हमारा भी, और तो कोई है नहीं। मेरा बेटे ने बहुत मदद की हमारी, हर काम में हर समय बहुत ही हेल्प कर रहा है। अभी सुबह से वो भी कुछ खाया पिया नहीं है, इन कन्याओं भोज के लिए उसने व्रत रखा है नवमी का आज, कि जब कन्या भोज हो जाएगा तभी वो व्रत तोड़ेगा। हमने भी रखा था कन्या भोजन के बाद कर लेंगे। अब उन्हें हल्दी सिंदूर लगाने के बाद फ्रेंड उनकी आरती उतार रही हूँ। इसी तरह से माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनके लिए भोजन हलवा पूड़ी चना हम यही खिलाते हैं नवरात्रि में कन्याओं को। आपके यहाँ क्या खिलाया जाता है कमेंट में बताइएगा। बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत, एक तो लेट होने के वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दूर छोड़ना भी पड़ेगा, वहाँ से लाए हैं कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर से, वो भी बेचारे पैदल आए हैं, अब इन्हें वहाँ छोड़ना पड़ेगा। बच्चों को भोजन करा, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं बच्चे ने सारे फ्रेंड, आज माता रानी के रूप में हैं ये जो हमारे घर पधारी हैं, हम इनका भोग लगा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, और माता रानी से आशीर्वाद मिल जाए, हमारा परिवार खुशहाल सुखी रहे, बस यही कामना करते हैं। इसी तरह आप लोग भी फ्रेंड अपना दया दृष्टि हम पर बनाए रखिए और फुल सपोर्ट करते रहिए। आपको हर एक वीडियो में अपनी प्रॉब्लम हमने बताई और क्या कैसा, लेकिन कुछ नहीं, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं कि खुद सूखी रोटी खाती है और आज कहाँ से इतना खाना खिला रही है, तो ये सब माता रानी की कृपा है कि हम उनके भोग के लिए कुछ कर पाए हैं। हम रूखा सूखा भले ही खाते हैं फ्रेंड, हमें बहुत खुशी है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, अपने घर में रहते हैं झोपड़ी में, वो भी हमें महल जैसी है, और रूखा सूखा खाते हैं तो 56 भोग जैसा है।
लेकिन माता रानी के लिए हमने जो व्यवस्था की सब उनकी कृपा से हुआ है। थोड़ा बहुत जो कुछ कर पाए हैं और बहुत आज मन को संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी ये कुटिया मंदिर बन गई। इसी तरह आप लोग सपोर्ट देते रहिए, और आप प्लीज़ कहीं भी अगर गलती होती किसी भी वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें आपसे सीखने को मिलता है। अभी माता रानी को विदा करना है जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए सारी माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं नव रूप में, नव कन्याएं। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, सारी कन्या आशीर्वाद दे रही हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य है इसे उठाने का।